हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, अगर आपके पास भी एयरटेल का सिम है और आप भी अपने एयरटेल वाले सिम से अपने किसी फ्रेंड को मैसेज कर रहे हैं और आपका मैसेज सेंड नहीं हो पा रहा और यहाँ पे कुछ इस तरह की फेल्ड वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको एक मैसेज सेंड करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर अपने एयरटेल वाली सिम से कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं तो ये मैसेज यहाँ पर फेल्ड हो जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मैसेज भेजना है तो दोस्तों मैसेज भेजने के लिए सबसे पहले तो आपके मोबाइल में बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके मोबाइल में बैलेंस माइनस में है तो यहाँ पर आप मैसेज सेंड नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम बैलेंस आपके मोबाइल में 1 रुपये होना चाहिए या फिर आपके मोबाइल में अनलिमिटेड प्लान होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में दोनों ही चीज़ें हैं तो आप यहाँ पर मैसेज भेज सकते हैं। तो अगर तब भी आपके मोबाइल में मैसेज नहीं जा रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में सेटिंग करनी होगी। तो सेटिंग करने के लिए आपको अपने मोबाइल के मैसेज की सेटिंग में आना होगा। तो हम यहाँ मैसेज की सेटिंग में आ जाते हैं। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद हमको सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस शॉर्ट सर्विस सेंटर वाले मैसेज पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ नंबर दिए होंगे, आपको इस नंबर को यहाँ से डिलीट कर देना है। और यहाँ से नंबर को डिलीट करने के बाद आपको सिर्फ 91 रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है 10 डिजिट का, ये नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। ये आपका मैसेज सर्विस सेंटर नंबर है, आपको यहाँ पर ये नंबर डाल देना है। ये नंबर वैसे तो हर सिटी में काम करता है, अगर आपके मोबाइल में ये नंबर काम ना करे तो आपको अपनी सिटी का नंबर सर्च कर लेना गूगल पे। वो कैसे सर्च करेंगे उसके बारे में हम आगे इसके बारे में बता देंगे। तो अभी आपको फ़िलहाल ये नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो आपको यहाँ पर 9895051914 ये नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना है। इसको डालने के बाद इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद दोस्तों आपकी सेटिंग यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है। इसको कम्प्लीट करने के बाद दोस्तों अगर आपका 4G फ़ोन है तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। हम यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाते हैं और सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वोल्टी एनेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस वोल्टी वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो हम यहाँ पर इस वोल्टी वाले ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद दोस्तों अब आपको चेक कर लेना है एक बार अपने मैसेज को सेंड करके कि आपका मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ पर अपने मैसेज में जाएंगे और दोबारा से एक मैसेज सेंड करके देखेंगे कि हमारा मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हमने यहाँ पर अपना मैसेज ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपने कोई भी एक फ्रेंड को मैसेज सेंड करके देखेंगे। तो हम यहाँ पर एक मैसेज टाइप कर लेते हैं और इसको सेंड करके देखते हैं। तो हमने मैसेज यहाँ पर टाइप कर लिया और टाइप करने के बाद दोस्तों जैसे ही हम इस मैसेज को सेंड करेंगे तो ये हमारा मैसेज सेंड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप भी सेटिंग करके अपने मोबाइल में SMS भेज सकते हैं अगर आपके मोबाइल में SMS सेंड नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में तब भी SMS सेंड नहीं हो रहा है तो आपको अपनी सिटी का SMS सेंटर नंबर सर्च कर लेना है। इसको सर्च करने के लिए आपको गूगल क्रोम को ओपन करना होगा और इसमें यहाँ पर आपको सर्च वाले बॉक्स पे क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा एयरटेल मैसेज सेंटर नंबर और उसके बाद आपको अपनी सिटी का नाम लिख देना होगा। अगर आप लखनऊ से हैं तो लखनऊ, अगर दिल्ली से हैं तो दिल्ली, या जिस भी सिटी से आप लिखते हैं उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। तो आपको जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है इसी तरह से लिखकर इसको सर्च कर लेना है। इसको सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर पर ही आपको एयरटेल SMS सेंटर नंबर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर 10 डिजिट का ये नंबर दिया होगा। आपको जो भी स्टेप हमने इस वीडियो में बताया उस स्टेप को फॉलो करते हुए और वहाँ पर आपको ये 10 डिजिट का ये SMS सेंटर नंबर आपको डाल देना है। और इसको डालने के बाद दोस्तों आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।